Hey guys, welcome back to my channel, Beauty Retail. Last video में हमने देखा था कुछ मिसेलेनियस टॉपिक को, जैसे कि हमने कवर किया था इंडेक्स क्या होते हैं, हमने कवर किया था ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज क्या होता है, हमने कवर किया था डेटाबेस को हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन कौन सा डेटाबेस हमारे पास अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज के वीडियो में हम व्यूज टॉपिक कवर करेंगे। व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पॉइंट के लिए, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन व्यूज से पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यूज के एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन से जो कि आपको कॉलेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एडवांटेज है, ये सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि हमारे पास जो भी हम क्वेरी लिखते हैं, जो हमारा डेटाबेस होता है उसके अंदर 2000 ऑफ वैल्यूज होती है, तो व्यूज क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाइज करता है। जैसे कि जैसे हमारा कोई सीएस डिपार्टमेंट है, तो इसका एक अलग टेबल बनेगा, व्यूज स्टैंड फॉर वर्चुअल टेबल। तो ये क्या करता है, एक टेबल एग्जिस्टिंग टेबल में से वो अलग अलग स्टेटेड टेबल हम इसके थ्रू बनाते हैं। हमारे पास एक टेबल है मान लो कॉलेज का, तो कॉलेज के लिए हम जो अलग अलग व्यूज बना दिए हैं, सीएस डिपार्टमेंट के लिए, आईटी डिपार्टमेंट के लिए, ईसीई डिपार्टमेंट के लिए, तो क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा वो कम हो जाता है। हमें कुछ डेटा फाइंड करना हो सीएस डिपार्टमेंट के लिए, तो हमें पूरा जो कॉलेज का डेटाबेस नहीं फाइंड करना पड़ेगा, हम सिर्फ व्यूज का यूज कर सकते हैं और सीएस डिपार्टमेंट में जाकर उस वैल्यू को आराम से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स सिटी जो है वो रिड्यूस करता है, डेटा एक्सेस को भी ये रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर सीएस डिपार्टमेंट्स के हैं, तो वो जो है ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आईटी डिपार्टमेंट के वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर हम स्कूल में है तो अगर कोई फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डेटा को फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक यूजर तक ही इसका एक्सेस को प्रोवाइड करता है। इससे एक एडवांटेज है, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें अगर दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ काम है, तो हमें उससे पहले पूछना पड़ेगा, तो जब हम उससे पूछेंगे तो हमें एक सिक्योरिटी लेयर हो जाएगा, बिना उनके नॉलेज के हम उनके डेटाबेस नहीं कर सकते हैं व्यूज में, ठीक है। और इट इनेबल्स कंप्यूटेड कॉलम, तो ये क्या करता है, ये इनेबल करता है कंप्यूटेड कॉलम। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, पहला इसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे एक टेबल से एग्जिस्टिंग टेबल से हमने अलग अलग टेबल बनाया है, तो ऑब्वियसली सी बात है जब आप एक चीज जो अलग अलग टूट के दूसरे से जगह जाएगी, तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा और जो है टेबल पे डिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें व्यूज कोई किसी और कोई हेड एडमिन है, उसे जानना है सीएस डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसे पहले सीएस डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ये टेबल पे डिपेंडेंसी इसकी बढ़ जाती है। इस वीडियो में हमने तीन टेबल को रखा है, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल और फैकल्टी टेबल है। इसके थ्रू हम जो है वेरियस व्यूज के बारे में देखें कि कैसे हम लोग व्यूज को क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, जिसे हम लोग टेबल में कैसे यूज करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये चीज़ है, कॉलेज के एग्जाम के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम डेटाबेस में सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी डेटाबेस कॉलेज है, तो हम लोग कॉलेज को सिर्फ यूज कर रहे हैं, यूज कॉलेज, कॉलेज हम डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं। जब ये लिखिएगा तो आएगा डेटाबेस चेंज, ये हमारा एक स्टेटमेंट आएगा कि भाई डेटाबेस आपका चेंज हो गया और आप कॉलेज में अभी हैं, कॉलेज डेटाबेस में हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि कॉलेज डेटाबेस में हमें ये जानना है कि हम लोग व्यूज को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए स्टेटमेंट देखो, सेलेक्ट एस्टिक मतलब होता है क्या, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट बुक फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, तो ये क्या करेगा, जब हम देखें लिखेंगे सेलेक्ट एस टी फोर स्टूडेंट, ये हमारा आउटपुट में स्टूडेंट टेबल आ जाएगा हमारा आउटपुट में, हम ठीक है। अब हम मान लो हमें स्टूडेंट टेबल का व्यूज बनाना है, कैसे हम इसका व्यू बनाएंगे, तो इसके लिए हमारा कमांड क्या होगा, हम जो कहेंगे क्रिएट किसी भी चीज को हमें बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग कर सकते क्रिएट कीवर्ड ही यूज करते हैं। क्रिएट क्या बनाना, किसका बनाना है भाई, व्यू का, हम लोग व्यू का क्या बना रहे, व्यू वन बना रहे, क्योंकि कोई और व्यूज अभी तक बना नहीं है, तो क्रिएट व्यू व्यू वन। इससे क्या हुआ, एक जो है आपका वर्चुअल टेबल व्यू वन नाम का एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं एस, कैसे क्रिएट करो, ऐसा क्रिएट करो एस सेलेक्ट एस्ट्रिक, हम क्या क्या हमें डालना भाई, सारे वैल्यू को डालना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक सारे वैल्यू को फेच करो, हाँ से किस टेबल में है, स्टूडेंट टेबल में, फ्रॉम स्टूडेंट, अगर हम इतने तो लिख के छोड़ दें, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल के जितने वैल्यूज हैं वो सारे हमारे पास व्यू वन में आ जाएंगे, पर हम वो नहीं चाहते भाई, हम चाहते हैं पास जो स्टूडेंट टेबल है इसका जो ब्रांच सी एस है और एग्जाम्पल आई टी है, वो सिर्फ हमारे पास व्यू वन में आए, ट्रिपल ई हम नहीं चाहते हैं कि ट्रिपल ई
का वैल्यू को एक्सेस कर सके, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एक्सेस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इन जब ये स्टूडेंट ये लिख रहे हैं कि सेलेक्ट एसटी फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल से तुम सारे वैल्यू को एक्सेस करो जिसका ब्रांच जो है सी एस और आई टी में हो, तो ये जो व्यू नाम का जो टेबल मेरे पास अभी बनेगा, एक वर्चुअल टेबल जो जो बना है, इसमें सिर्फ सी एस और आई टी स्टूडेंट जो होंगे उनके वैल्यू सिर्फ होंगे। हमारे पास जो सी एस आई टी स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल अंकू का वैल्यूज आ जाएगा, अजीत का वैल्यू आ जाएगा, अनामिका का वैल्यू आ जाएगा, पुड़वा का वैल्यू आ जाएगा, ये चारों वैल्यूज कहाँ पे आएंगे, व्यू वन टेबल में। ये जो वैल्यू है आकाश ट्रिपल ई जिसका मार्क 81 है, जिसका स्टूडेंट आई डी 102 है, ये वैल्यू हमारे पास वर्चुअल टेबल में नहीं होगा। या और भी वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल अनामिका भी नहीं होगा क्योंकि अनामिका का ब्रांच ट्रिपल ई है, तो ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास नेक्स्ट टेबल जो हमारा बनेगा वर्चुअल टेबल उसमें नहीं होंगे। अब जब आप लिखोगे क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वी वन, जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको टेबल देगा आउटपुट में, जिसका जो टेबल होगा कुछ इस तरह का टेबल होगा। इस टेबल के अंदर सारे एट्रीब्यूट होंगे, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ब्रांच और स्टूडेंट का मार्क्स, ये चारों कॉलम आपके पास आउटपुट में होंगे। लेकिन हमने बोला है, क्या बोला है कि अगर इसका ब्रांच सी एस और आई टी है तो ये चेक करेगा 101 अंकु क्या सी एस ब्रांच में है, हाँ है, इसका आउटपुट आ जाएगा 101 स्टूडेंट नेम अंकु ब्रांच सी एस ई एंड मार्क्स 93 मार्क्स ये क्वालिफाई किया है, तो इसका मार्क्स भी आ जाएगा 93। सेकेंड स्टूडेंट चेक करेगा क्या आकाश है, नहीं आकाश का ब्रांच जो है सी एस और आई टी में नहीं आता है, आकाश ट्रिपल ई से बिलोंग करता है, आकाश का आउटपुट में नहीं आएगा। जब नेक्स्ट चेक करेगा अजीत के बारे में जिसका स्टूडेंट आई डी 103 है, नेम अजीत और ये जो है हमारा आई टी ब्रांच है आई टी और इसके 78 मार्क्स हैं, और फिर 104 कॉलम अनामिका क्या का ब्रांच सी एस और आई टी है, नहीं है, अनामिका का आउटपुट में वहाँ नहीं आएगा। पर हमारा जो पाँचवा जो है अपूर्वा जो कि सी एस ब्रांच से है और जिसे कि 84 मार्क्स आया है, ये हमारा आउटपुट में आएगा। तो ये टेबल जो है वर्चुअल टेबल है, रियल नहीं है, बस वर्चुअली ये एग्जिस्ट करेगा और इसे सिर्फ जो है सी एस डिपार्टमेंट और आई टी डिपार्टमेंट के लोग एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं, फिर व्यूज में हम लोग दूसरा व्यू क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फैकल्टी टेबल के बारे में जानना है, तो हम सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रॉम फैकल्टी इसे लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, फैकल्टी टेबल के सारे वैल्यू को आपको स्क्रीन पे आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया फैकल्टी टेबल मेरे पास है। अब हमें इसमें व्यूज का यूज करना है कि भाई हमें किसे एक्सेस देना है, उसके लिए हम लोग सिर्फ कमांड यूज करेंगे क्रिएट व्यू व्यू टू, क्योंकि व्यू वन मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम व्यू वन देंगे तो हमें एरर शो करेगा। व्यू टू एज हमें कैसा बनाना है, हम बोले इसमें सेलेक्ट करो क्या क्या हमें बनाना है। मान लो हमें सिर्फ फैकल्टी का आईडी चाहिए, फैकल्टी का नेम और फैकल्टी का डिपार्टमेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ हम लिखेंगे सेलेक्ट एफ डॉट, फैकल्टी का नेम चाहिए वो एफ डॉट नेम, और हमें क्या चाहिए फैकल्टी का डिपार्टमेंट, एफ डॉट डिपार्टमेंट, छूट गया ये डिपार्टमेंट आईडी है इसका डी आई डी, हमें क्या चाहिए फैकल्टी का नेम चाहिए, फैकल्टी का डिपार्टमेंट चाहिए, कहाँ से चाहिए फ्रॉम फैकल्टी, तो फैकल्टी टेबल से हम बोल रहे हैं फैकल्टी का नेम लो, फैकल्टी का डिपार्टमेंट लो, फ्रॉम फैकल्टी को हमारा डिपार्टमेंट, फैकल्टी का नेम, सॉरी हम मान लो मैं डिपार्टमेंट, हम चाहते हैं कि मेरे पास जो दो टेबल है ये जो दो टेबल को हम लोग ज्वाइन करके एक्सेस करें, अगर हम सिंपली अगर एक्सेस करना हो तो फैकल्टी का नहीं फैकल्टी का डिपार्टमेंट फ्रॉम फैकल्टी, और हम चाहते हैं कि भाई हम दोनों टेबल को ज्वाइन करके एक्सेस करें, उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट फैकल्टी का नेम एफ डॉट एफ नेम कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कौन सा फ्रॉम फैकल्टी कॉमा डिपार्टमेंट, तो क्या करेगा ये दोनों टेबल को लेगा। ठीक है, फैकल्टी का हम चाहेंगे तो एलाइज भी बना सकते हैं, हम लोग ने लास्ट वीडियो में एलाइज पढ़ा था, फैकल्टी का एलाइज हमने एफ बना दिया, डिपार्टमेंट का एलाइज हमने डी बना दिया, हम लोग इसलिए फैकल्टी का एलाइज बनाते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है बेसिकली हम लोग से एज एलाइज के रूप में यूज करते हैं, हम लोग कोई और नाम भी यूज कर सकते हैं।
और हम यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं वेयर क्या फैकल्टी का जो आईडी है, फैकल्टी का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो मैच करना चाहिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर फैकल्टी, मतलब फैकल्टी का हमने लाइव बनाया एफ एफ डॉट डिपार्टमेंट आईडी डी आईडी, ये किसके बराबर होना चाहिए डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट का हमने लाइव क्या बनाया डी डी डॉट डी आईडी। तो ये क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा व्यूज, ये दोनों टेबल्स मैच करेगा और उसके बाद जो फैकल्टी का नेम और डिपार्टमेंट जो है सिर्फ जो है दो कॉलम का एक टेबल बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट व्यूज के अंदर तरफ मूव करते हैं, थर्ड एग्जांपल करता हूँ। थर्ड एग्जांपल हाँ, मान लो हमें क्या करना है कि व्यू तो बनाना है, ठीक है, सिर्फ उन फैकल्टी का बनाना है जो कि आईटी में है और ट्रिपल में है। फॉर एग्जाम्पल जो फैकल्टी हमारे आईटी और ट्रिपल में ई में है, हम चाहते हैं उनका एक सेपरेट टेबल बनाए, तो उसे कैसे बनाएंगे, इसके हम लोग सेम कमांड यूज करेंगे क्रिएट व्यू, व्यू वन व्यू टू तो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट व्यू दैट इज व्यू थ्री। तो हमने क्या, हम क्या बोले क्रिएट व्यू व्यू थ्री, किस तरह का चाहिए भाई हमें एज, हम चाह रहे हैं उसके अंदर क्या हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी, सारे डिपार्टमेंट सारे वैल्यूज को ले लो फ्रॉम फैकल्टी टेबल से, जिसका हम बोल रहे हैं क्या चाहिए सिर्फ ट्रिपल ई वैरायटी, वे डिपार्टमेंट इन ट्रिपल ई कॉमा आईटी। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम एक व्यू बनाओ, एक वर्चुअल टेबल बनाओ जिसके अंदर सारे वैल्यू ऑफ फैकल्टी का जो कि ट्रिपल ई और आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो फिर एक वर्चुअल टेबल बनाएगा जिसके अंदर फैकल्टी का आईडी होगा, फैकल्टी का नेम होगा, फैकल्टी का डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट आईडी भी होगा, सिर्फ उन्हीं का जो कि आईटी डिपार्टमेंट में है और ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में, यानी कि उद्भव साक्षी स्नेहा और दिव्यांशु, सॉरी उद्भव साक्षी और स्नेहा, ये तीनों जो आउटपुट में हमारे आएंगे, ठीक है। अगर हम इस मतलब इसमें हम अपडेट करना कुछ चाह रहे हैं कि कुछ अपडेट भी इसमें हम कर सकते हैं व्यूज के अंदर, हमें अपडेट करना है मतलब हमारा जो व्यू ये स्टूडेंट टेबल है, फैकल्टी टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, इसके अंदर हमें नहीं अपडेट करना है, हम चाह रहे हैं हमारा जो व्यू बना है एक वर्चुअल टेबल बना हुआ है उसमें हम अपडेट करें, तो उसके अंदर भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे अपडेट, अपडेट जब भी लिखेंगे इसका मतलब ये होता है अपडेट करने के लिए, कुछ भी चीज़ को हमें अपडेट करना हो उसके लिए हम अपडेट कमांड पे यूज़ करते हैं अपडेट व्यू थ्री। जैसे हम व्यू थ्री लिखे मतलब हमें सिर्फ व्यू थ्री टेबल जो है वर्चुअल टेबल है उसे हमें अपडेट करना है, हम बोल रहे हैं यहाँ सेट करो, सेट क्या करो तुम सेट कर दो फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू सेवन, सेट करो तुम, हम बोल रहे हैं डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू सेवन वेयर एफ आई डी इक्वल टू आउटपुट होगा स्नेहा का, आउटपुट में डिपार्टमेंट आईडी का थ्री है वो चेंज हो जाएगा सेवन में, ठीक है। ये था हमारे व्यूज, व्यूज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने व्यूज को कवर कर लिया, हमने हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक यू सो मच।